ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, यूपी तक डॉट इन ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। जोमैटो का नाम तो आपने सुना ही है। हाँ, वही पॉपुलर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जिसने हाल ही में 10 मिनट में ब्रेड, ऑमलेट, पोहा और मोमोज जैसी फूड आइटम आपके घर पहुंचाने का दावा किया था। इस अनाउंसमेंट के बाद जोमैटो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में थी, एक तो अपने प्लान और दूसरा डिलीवरी करने वाले ड्राइवर्स की सेफ्टी को लेकर। अब एक बार फिर कंपनी का नाम चर्चाओं में है। कारण है जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल का अनाउंसमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या फिर से जोमैटो ने ऐलान कर दिया है कि सुर्खियां बन गई है। दरअसल दीपेंद्र गोयल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वो अपने कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 700 करोड़ रुपए का दान करेंगे। गोयल ने कहा कि वो 700 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ESOP को जोमैटो फ्यूचर फाउंडेशन में दान करेंगे। जोमैटो ने ये ऐलान कर्मचारियों को भेजे गए इंटरनल ईमेल के जरिए किया है। बता दें, उठाया गया ये कदम कंपनी के उन तमाम उपायों का हिस्सा है जिसकी मदद से वो जोमैटो के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव या कहे डिलीवरी पार्टनर को कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए उठा रही है। जोमैटो फ्यूचर फाउंडेशन कंपनी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए डिलीवरी पार्टनर के दो बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा रही है। कंपनी के अनुसार फाउंडेशन दिए जाने वाले मदद का और विस्तार करेगा। कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में गोयल ने लिखा कि कंपनी के लिस्ट होने से ठीक पहले बोर्ड ने उन्हें यह ऑप्शन ऑफर किया था। पिछले महीने में शेयर के औसत कीमत के आधार पर फिलहाल इन ESOPs का मूल्य 9 करोड़ डॉलर या 700 करोड़ रुपए है। मैं इन ऑप्शन से मिली पूरी रकम को जोमैटो फ्यूचर फाउंडेशन को दान करता हूं। गोयल ने आगे कहा कि उन्होंने फाउंडेशन को ये रकम इसी वजह से दी है कि इसे कर्मचारियों के बच्चों को अपने जीवन को उससे बेहतर बनाने का मौका मिले, साथ ही बच्चियों के लिए प्राइज मनी इंट्रोड्यूस की जाएगी। गोयल ने ईमेल में जानकारी दी है कि कंपनी अपने साथ लंबे समय से जुड़े हुए डिलीवरी पार्टनर के दो बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी। अगर कोई डिलीवरी पार्टनर कंपनी के साथ 5 साल से जुड़ा है तो 50,000 रुपए पर चाइल्ड की सहायता दी जाएगी। वहीं काम के प्रदर्शन को लेकर कुछ मानक भी पूरे करने होते हैं। वहीं डिलीवरी पार्टनर जोमैटो के साथ 10 साल पूरा करता है तो ये रकम बढ़ाकर सालाना 1,00,000 रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए भी नियम कुछ आसान किए गए हैं। इन बेनिफिट के लिए उनके कंपनी के साथ जुड़े होने की लिमिट को कम कर दिया गया है। इसके साथ ही फाउंडेशन छात्राओं को 12वीं और ग्रेजुएशन पूरी करने पर प्रोत्साहन के लिए इनाम भी देगी। वहीं गोयल ने जानकारी दी कि कर्मचारियों के होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऊंची स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जॉब के दौरान दुर्घटना होने पर डिलीवरी पार्टनर के परिवार को मदद मिलेगी और इसके लिए सेवा की अवधि को लेकर कोई सीमा नहीं रखी जाएगी। चलिए इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ESOP को भी समझ लेते हैं जिसके तहत जोमैटो के एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट मिल रहा है। दरअसल कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के अलावा भी कई बेनिफिट्स देती है। इसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ESOP भी शामिल है। इसके जरिए कर्मचारियों को अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इस प्लान से एम्प्लॉयज कंपनी के शेयर फ्री में या कंसेशनल रेट पर हासिल कर सकते हैं। अन्य योजनाओं की तुलना में ESOP कर्मचारियों को स्पेशल बेनिफिट देता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कर्मचारी अपनी कंपनी के शेयर में निवेश करेंगे तो वह कंपनी के प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा करने से कंपनी और कर्मचारी दोनों के ही प्रदर्शन बेहतर होते हैं। साथ ही ESOP कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपको जोमैटो के द्वारा उठाया गया यह कदम पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।